नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS Basic Physics में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT पाठ्य पुस्तक है उसके 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर, जो कि इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी बनावट, इसकी कार्यविधि, साथ में हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता की और ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों की भी चर्चा यहां पर करने वाले हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण वीडियो है। हम आसानी से इजी तरीके से इस टॉपिक को आपको समझाने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आराम से यहीं पर वीडियो देखते ही सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सर्वप्रथम यहां पर हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, ये एक विद्युत चुंबक की युक्ति है, वैसे तो इसको हम विद्युत के रूप में ही यूज में लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करते हैं। तो एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ट्रांसफार्मर। देखिए, आपने अपने घरों के आसपास में या अपने गांव में भी पावर हाउस में ट्रांसफार्मर अवश्य देखे होंगे, और उन ट्रांसफार्मर की सहायता से जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसको कम या ज्यादा किया जाता है। देखिए, हमारे घरों के ठीक पास में जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम करता है। जो पावर हाउस होता है वहां से जो वोल्टेज आता है वो थोड़ा ज्यादा आता है, 11,000 वोल्टेज आता है, तो ज्यादा सप्लाई होती है, तो उस वोल्टेज को कम किया जाता है उस ट्रांसफार्मर के द्वारा। क्योंकि हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होती है, और जो हमारे घरों के नजदीक जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो उच्च वोल्टता को 220 वोल्ट की वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा करना। कम या ज्यादा करने का कार्य होता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। हम वोल्टेज को ज्यादा भी कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम कम भी कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, क्या है। ऐसी विद्युतीय युक्ति जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता हो, ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। तो हम लास्ट चैप्टर में जो विद्युत चुंबक के प्रेरण का जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक पढ़ा है, अनन्य प्रेरण। अनन्य प्रेरण में क्या पढ़ा है कि जब एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उस घटना को हमने अनन्य प्रेरण कहा था। तो एक बार अनन्य प्रेरण की डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी कुंडली में यदि हम धारा प्रवाहित करवाते हैं या उसके ऊपर हम वोल्टेज लगाते हैं तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली के अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उस घटना को हम अनन्य प्रेरण कहते हैं।
तो जो ट्रांसफार्मर है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडलियां होगी, जिनमें एक कुंडली के सिरों पर हम वोल्टेज लगाएंगे तो दूसरी कुंडली के सिरों पर भी वोल्टेज प्रेरित हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? प्रेरित हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से दूसरी कुंडली के अंदर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था, अनन्य प्रेरण की घटना में समझ लिया था। तो जो ट्रांसफार्मर है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका जो सिद्धांत है वो क्या है? यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सीधा सा आंसर है अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो ट्रांसफार्मर अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब हम इसके पश्चात बात करेंगे ट्रांसफार्मर की बनावट, इसकी बनावट किस प्रकार की होती है। देखिए ट्रांसफार्मर भी आजकल अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, अलग अलग उनकी बनावट भी होगी। मैं आपको एक जो पॉपुलर बनावट है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होती है उसका जो मुख्य भाग होता है, मुख्य जो ढांचा होता है वो नरम लोहे का, कच्चे लोहे का बना होता है। और वो जो ढांचा है, क्रोड है, उसको बिल्कुल पतली पतली नरम लोहे की पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। इन सब का एक रीजन होता है, वो हम रीजन स्पष्ट कर देंगे कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्रोड नरम लोहे की बनी होती है, पतली पत्तियों के रूप में बनी होती है, पटलित पत्तियों के रूप में मौजूद होती है। देखिए ये हमारे पास में है एक ट्रांसफार्मर की क्रोड, इस तरीके से हमने दिखाई है। ये नरम लोहे की होती है, किसकी बनी है? ये नरम लोहे की बनी होती है, किसकी बनी है? नरम लोहे की। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कुचालक पदार्थ रख देते हैं। क्या रख दिया जाता है? एक कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है। उस कुचालक पदार्थ के ऊपर सेम ऐसी की ऐसी और पत्ती रख देते हैं, फिर कुचालक पदार्थ रखते हैं, फिर ऐसी की ऐसी पत्ती और रख देते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारी पत्तियों को रखकर ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है और दो पत्तियों के मध्य कुचालक पदार्थ भरा होता है। क्लियर? तो देखो यहां पर इस पत्ती के ऊपर हम कुचालक पदार्थ रख देंगे, फिर पत्ते रख देंगे, फिर कुचालक पदार्थ रखेंगे, फिर पत्ते रखेंगे, सिमिलर इसी तरीके की पत्तियां होगी। तो दिखने में ये जो संरचना है वो हमें इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी, इस टाइप की दिखेगी कि एक दूसरे पर ये पत्तियां रखी हुई है। तो ऐसे वो हमें जो पत्तियां हैं वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगी। ऐसे दिखने में ऐसे नजर आएगी। क्लियर? ये मैंने एक ट्रांसफार्मर की क्रोड को आप लोगों के सामने रखा है। अब इसके साथ में इसकी दो भुजाओं पर, इसकी दो भुजाओं पर दो विद्युत रुद्ध तांबे की कुंडलियां लिपटी होती है। एक बार देखिए, फिर से सुन लीजिए, इसकी दो भुजाएं हैं आमने सामने की, एक तो ये वाली भुजा है, एक ये वाली भुजा है। इनके आमने सामने की भुजाओं पर विद्युत रुद्ध तांबे की कुंडलियां लपेट दी जाती है। जैसे यहां से एक विद्युत रुद्ध तांबे की कुंडली इस तरीके से लपेट दी जाती है, ऐसे इस तरीके से एक कुंडली को इसके ऊपर लपेटा जाता है। ये एक कुंडली हमने यहां पर लपेट दी है, ये हमने एक कुंडली को यहां पर दिखा दिया है।
इस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इस कुंडली को एक भुजा पर जो कुंडली लिपटी होती है उसको हम कहेंगे प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली, इसको निवेशी कुंडली भी कह देते हैं। क्लियर। इसके ठीक सामने वाली भुजा के ऊपर एक दूसरी कुंडली लिपटी होती है, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में एक दूसरी कुंडली है जो कि इस तरीके से लिपटी है। ऐसे इस तरीके से ये द्वितीयक भुजा के ऊपर एक कुंडली लिपटी है, इसको हम द्वितीयक कुंडली कहेंगे। ये जो कुंडली है इसका नाम क्या है? सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है, द्वितीयक कुंडली इसे कहा जाता है। क्लियर। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। नरम लोहे की क्रोड़ होती है और उस क्रोड़ में भी पतली पतली पत्तियों के रूप में उसको बनाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर अक्षर बनाया जाता है और इन पत्तियों के मध्य कुचालक माध्यम भर देते हैं और इसकी एक भुजा के ऊपर विद्युत रुद तांबे की एक कुंडली लपेट दी जाती है जिसको हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। दूसरी भुजा पर भी तार लपेट कर द्वितीय कुंडली का निर्माण किया जाता है। क्लियर। अब देखिए इस वाली कुंडली को जिसके ऊपर हम वोल्टेज लगाते हैं, इस वोल्टेज को कम या ज्यादा करना होता है, एक सिरे पर लगाया जाएगा। इसको हम यहां पर प्राथमिक कुंडली के लिए इस सिरे पर अप्लाई जो वोल्टेज है उसको वीपी से लिख रहे हैं। यह है निवेशी वोल्टता या प्राथमिक कुंडली पर लगाई गई वोल्टता, जो वीपी है, वीपी यह है निवेशी वोल्टता या प्राथमिक कुंडली पर लगाई गई वोल्टता। क्लियर। ये आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। और इस प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको हम एनपी से पुट करेंगे। एनपी का मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी से हमने इनको पुट किया है, एनपी से हमने इनको लिखा है। अब जो दूसरी कुंडली है इसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। इन दोनों सिरों के ऊपर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करेंगे, इसको वीएस से लिख देंगे। किससे लिख दिया जाएगा? वीएस। जो वीएस है वो है द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टता, जिसको हम निर्गत वोल्टता भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जा सकता है? निर्गत वोल्टता भी हम कह देते हैं, निर्गत वोल्टता भी उसको कहा जा सकता है। इसके अंदर जो फेरों की संख्या है उसको हम एन एस से पुट करते हैं। किससे लिखा जाता है? एन एस से लिखा जाएगा। तो ये जो एन एस है वो क्या है? द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या वो है एन एस। क्लियर। यह है किसी ट्रांसफार्मर का आधारभूत ढांचा, इसकी बनावट। यहां तक आप लोगों को इसकी बनावट समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें नरम लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इस कुंडली में से जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो मैग्नेटिक लाइंस कभी इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी, आधे चक्कर बाद में मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन बदल जाती, धारा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी बदल जाएगी। तो इसमें इसकी जो क्रोड है नरम लोहे की, तो उसका बार बार चुंबकन और विचुंबकन होगा। तो देखिए एक बार मैग्नेटिक लाइन इधर नीचे की ओर क्रिएट हो रही है तो ये इधर चुंबकित हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में आधे चक्कर पश्चात मैग्नेटिक लाइन ऊपर की ओर क्रिएट हो रही है तो ये विपरीत दिशा में चुंबकित होगा। तो चुंबकन विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है तो चुंबकन विचुंबकन होता रहता है, तो बार बार इसका चुंबकन और विचुंबकन होता है तो इस प्रक्रिया के अंदर एक ऊर्जा हानि हो जाती है। इसको हम शैतिल्य ऊर्जा हानि कहते हैं। क्या कहा जाता है? शैतिल्य ऊर्जा हानि। तो शैतिल्य ऊर्जा हानि को कम करने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं।
देखिए शीतल्य ऊर्जा हानि जिन पदार्थों के लिए शीतल्य वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है उनके लिए शीतल्य ऊर्जा हानि भी अधिक होती है। तो नरम लोहे के लिए शीतल्य वक्र का क्षेत्रफल कम होता है तत्पश्चात शीतल्य ऊर्जा हानि भी कम होती है। तो ये नरम लोहे का ही क्यों लेते हैं, इसका आंसर तो क्या है, शीतल्य ऊर्जा हानि से जो होने वाली ऊर्जा का क्षय है उसको कम से कम रखने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसको पटलित क्यों बनाया जाता है या पत्तियों के बीच में कुचालक माध्यम रखकर इसको निर्मित क्यों किया जाता है। उसके पीछे रीजन है कि जब इसमें से गुजरने वाली नरम लोहे में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा बहेगी और प्रत्यावर्ती जब धारा बहती जिसका मान चेंज होता रहता है, पहले जीरो से अधिकतम होता है, न्यूनतम होकर जीरो हो जाता है, फिर माइनस में होता है, इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा चलती है। तत्पश्चात इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन आएगा क्योंकि B बराबर होता है म्यू जीरो एन आई, तो आई बदल रहा है तो B बदलेगा, B बदल रहा है तो इससे रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो इस क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, तो भंवर धाराओं के कारण से भी ऊर्जा का क्षय होता है और भंवर धारा ऊर्जा हानि से बचाव के लिए इसको एक साथ में मोटी क्रोड में बनाकर पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है और उनके मध्य कुचालक माध्यम भरा जाता है ताकि ऊर्जा हानि न्यूनतम रहे, कम से कम रहे। क्लियर। फिर इसके पश्चात में थोड़ी सी और बात करता हूं कि यहां पर जो कुंडलियां है वो तांबे के तार की बनाई जाती है, विद्युत रुद्युत तांबे के तार की बनी होती है। विद्यार्थियों तांबे का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, चांदी के बाद में इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए प्रतिरोध में से जब धारा प्रवाहित होती है तो हम जानते हैं उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है, इसलिए उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि को न्यूनतम करने के लिए हम इन कुंडलियों को तांबे के तार से बनाते हैं, तांबे के तार से इनको निर्मित करते हैं। तो इनकी बनावट आ गई होगी समझ में और ये जब सब मैटर इस तरीके से हम क्यों लेते हैं वो भी आ गई होगी समझ में। क्लियर। अब मैं यहां पर बात करता हूं, थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी कार्य विधि किस प्रकार की होती है। कार्य विधि के लिए देखिए हम यहां से इस सिरे के ऊपर, ये जो सिरा हमने यहां पर दिखाया है, इस भुजा के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, विभव का आरोपण यहां पर किया जाता है। तो देखिए इसकी अब हमारे पास में है इसका अगला बिंदु कार्य विधि। कार्य विधि कैसे काम करता है, कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है वो देख लीजिए विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसका मान हमें कम या ज्यादा करना होता है, इसको हम निवेशी वोल्टता कहते हैं। जैसे ही इसके ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए हम किस तरीके से दिखा देंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से उत्पन्न हो रही है, मैं कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही यहां पर दिखा रहा हूं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से उत्पन्न होती है जो कि इसमें से भी जा रही है और उसके पास में रखी या जो दूसरी भुजा वाली जो कुंडली है उसमें से भी गुजर रही है, ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तो उसके पास में जो दूसरी कुंडली है, द्वितीय कुंडली है, उसमें भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और इसमें जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा और जब किसी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हमने फैराडे के प्रयोगों में, नियमों में देख लिया था, समझ लिया था। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसकी कार्यविधि देख लीजिए कि एक कुंडली के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई करते हैं तो
तो दूसरी कुंडली के सिरों पर जो कुंड उसके सिरों पर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्यों उत्पन्न होता है? अनन्य प्रेरण की घटना की वजह से। इसमें से मैग्नेटिक लाइंस जो क्रिएट हो रही है वो दूसरी कुंडली में से भी गुजर रही है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर देती है, तत्पश्चात इसके सिरों पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो विद्यार्थी मैं ये जो इससे ट्रांसफार्मर है इसकी कार्य विधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम तो देखिए इसका सिद्धांत तो क्या है, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है और इसकी बनावट आप लोगों को समझ में आ गई, कार्य विधि मैंने समझा दी। अब इससे रिलेटेड कुछ सूत्र फॉर्मूलों की मैं यहां पर अब चर्चा करता हूं। देखिए किसी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ सूत्र फॉर्मूले अब हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली की बात करें, प्राथमिक कुंडली पर आरोपित वोल्टता जो हमने लगाई जिसको हम निवेशी वोल्टता भी कह देते हैं, निवेशी वोल्टता। देखिए निवेशी वोल्टता हम प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं और वो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो उस कुंडली के अंदर, प्राथमिक कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देती है। तो जितनी आपने वोल्टता लगाई उतना ही उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो देखिए आरोपित जो वोल्टता है वो है वीपी, ये आपने लगाई और उस प्राथमिक कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो है वीपी, जिसे हम माइनस में एनपी डी फाई अपॉन डीटी से पुट कर सकते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फैराडे के दूसरे नियम से लिखा है। फैराडे का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी कुंडली से रिलेटेड जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आपने ये वोल्टेज लगाई तो इस वोल्टेज के कारण से उस प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, इतनी वोल्टेज प्रेरित हो गई। ये जो प्रेरित वोल्टता है वो आरोपित वोल्टता के बराबर होती है। क्लियर? तो वीपी बराबर आ गया हमारे पास माइनस में एनपी। ये जो एनपी है वो है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, जो तांबे के तार हमने प्राथमिक कुंडली में लिए हैं उनके कितने चक्कर हैं, कितने फेरे हैं, वो है एनपी। डी फाई अपॉन डी टी, ये जो फाई है वो है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से ये ईपी उत्पन्न होता है वीपी लगाने पर। तो बताइए समीकरण एक आप लोगों को आ गई समझ में। अब अनन्य प्रेरण के कारण से द्वितीय कुंडली के सिरों पर भी वोल्टता क्रिएट हो जाती है। तो अनन्य प्रेरण के कारण से, फिर देखिए अनन्य प्रेरण के कारण, अनन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वही निर्गत वोल्टता होती है। वही क्या होगी? निर्गत वोल्टता होगी। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, वी एस द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टता जो कि द्वितीय कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, एन एस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होती है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर दो, समीकरण दो इसे हम दे देते हैं। क्लियर? अब देखिए हमारे पास में दो इक्वेशन है और दोनों से हम हाँ, एक यहां पर एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। समीकरण एक भाग दो से, एक के अंदर हम किसका भाग लगा दें, दो का भाग लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वीपी अपॉन में वीएस बराबर, वीपी अपॉन में वीएस बराबर क्या मिल रहा है। यहां पर देखिए वीपी का मान है माइनस में एनपी डी फाई अपॉन डी टी, फिर माइनस में एन एस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो गया, देन
वीपी अपॉन वी एस, वीपी अपॉन में वी एस बराबर आ जाएगा एन पी अपॉन में एन एस। ये रिलेशन आ चुका है। देखिए ये रिलेशन केवल और केवल तभी लागू होगा जब पहली कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, सारा का सारा जो फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली में से भी गुजरे, सारा का सारा जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दूसरी कुंडली में से भी गुजरना चाहिए। हालांकि ये व्यवहारिक रूप में पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम इसको नियरली इक्वल टू इस रिलेशन को लेकर चलते हैं। क्लियर। अब इसके पश्चात आप लोग देखिए एक रिलेशन हम यहां पर और देख रहे हैं कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, एक ट्रांसफार्मर है और उसकी दक्षता कितनी हो 100% हो, देन उसके निवेशी कुंडली के सिरों पर निवेशी जो शक्ति होती है और वही की वही निर्गत जो कुंडली है, द्वितीय जो कुंडली है उस पर शक्ति के बराबर होगी, अर्थात निवेशी ऊर्जा और निर्गत ऊर्जा सेम होती है, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति सेम होती है। कब होती है? जब किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, जितनी ऊर्जा आपने लगाई उतनी की उतनी ऊर्जा मिलती है, तो उस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होगी। और किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता यदि 100% है तो देखिए क्या होगा, यदि 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 ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, 100% हो तो 100% दक्षता है तो निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर होगी निर्गत शक्ति के, निवेशी शक्ति को हम पी आई से लिख दें, बराबर होगी निर्गत शक्ति, और निर्गत शक्ति को हम पी ओ से पुट कर देंगे, किससे पुट कर देंगे, पी ओ से लिख दिया जाएगा। अब देखिए शक्ति बराबर होता है वी इंटू आई, वी इंटू आई, तो वी पी इंटू आई पी, ये जो आईपी है वो प्राथमिक परिपथ में या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा बराबर होगी वीएस इंटू आईएस के, वीएस इंटू आईएस के। देखिए निवेशी शक्ति होगी, ये निर्गत शक्ति होगी, ये है प्राथमिक कुंडली में धारा, ये है द्वितीय कुंडली में धारा। क्लियर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वीपी अपोन में वीएस बराबर आ गया हमारे पास में आई एस अपोन में आई पी। एक रिलेशन यहां पर हम एन पी अपोन में एन एस पहले भी देख चुके हैं, ये रहा जो रिलेशन पहले देखा वो ये रहा। तो विद्यार्थियों ये रिलेशन तभी और तभी लागू होगा जब किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो, 100% हो। क्लियर। अब देखिए सामान्यतः तो जो यदि सही सेटअप किया हुआ जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता 95% से ऊपर ही होती है, 100% तो किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता नहीं हो सकती क्योंकि कुछ ऊर्जा हानियां भी हो जाती है। पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम नीटा से पुट करेंगे। ये देखिए जो नीटा दिख रहा है इससे हम ट्रांसफार्मर की दक्षता को पुट करेंगे, ये किसके बराबर होती है, निर्गत ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा या द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा या शक्ति अपॉन निवेशी ऊर्जा, मतलब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित ऊर्जा या शक्ति, इनका जो अनुपात होता है उसी को ही हम ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। यदि प्रतिशत दक्षता यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको 100% से गुणा कर दीजिए, 100% से गुणा कर दीजिए। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% कब होगी, जब निर्गत ऊर्जा और निवेशी ऊर्जा सेम हो, निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति सेम हो। क्लियर। तो ये है ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला। वैसे हम आपको बता दें कि किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती, फिर भी हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% मानकर अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर। अब दक्षता 100% क्यों नहीं होती, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से दक्षता 100% नहीं रह पाती, उसके पीछे कुछ रीजन्स हम आपको बताएंगे,
ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों की यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को ट्रांसफार्मर की दक्षता समझ में आ गई होगी। किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां हो जाती है। अब ऊर्जा हानियां कौन कौन सी हो सकती है और उनको कम कैसे किया जा सकता है, उनकी यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानियां कौन कौन सी ऊर्जा हानियां हो सकती है। सबसे पहले है कुंडलियों का प्रतिरोध, कुंडलियों का प्रतिरोध। जो ट्रांसफार्मर में हमने प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली का प्रयोग किया है वो हमने तांबे के लिए है। हालांकि हमने ऐसे पदार्थ की कुंडलियां ली हैं जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है, फिर भी प्रतिरोध अवश्य ही होगा। प्रतिरोध कम है बट सुनने तो नहीं है, इट मीन्स उनमें ऊर्जा हानि होती है। जब उनमें से धारा प्रवाहित होगी, कुंडलियों से जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। H बराबर होता है I²RT। H बराबर क्या होता है? I²RT। यह है उष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला। जब I धारा कैपिटल R प्रतिरोध से T समय के लिए प्रवाहित होती है तो इतनी ऊर्जा हानि हो जाती है। H बराबर I²RT, H बराबर I²RT के बराबर ऊर्जा हानि हो जाती है। क्लियर? तो यहां पर जो कुंडली है उसका प्रतिरोध यदि R होता है और I धारा उसमें से प्रवाहित होती है तो T समय में H बराबर I²RT के रूप में ऊर्जा हानि हो जाएगी। क्लियर? समझ आ गया यहां तक? तो जो कुंडलियां है उसके प्रतिरोध की वजह से कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ऊर्जा हानि हो जाती है। क्लियर? फिर देखिए, दूसरा जो इसका पार्ट है वो है फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स क्षरण हानि। फ्लक्स क्षरण का मतलब है फ्लक्स के अंदर कमी आ जाती है। जैसे हमने यहां पर जो ट्रांसफार्मर आप लोगों को बताया समझाया वो इस तरीके से था, ये ट्रांसफार्मर की क्रोड है और इसमें इधर एक कुंडली लिपटी हुई है, ऐसे एक कुंडली लिपटी है, ऐसे दूसरी कुंडली लिपटी हुई है। क्लियर? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें क्रिएट होती है वो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से होकर नहीं गुजर पाती, क्योंकि कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर भी क्रिएट हो गई, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर भी क्रिएट हो गई, तो वो सारी की सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूसरी कुंडली में से होकर नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब है कि पहली कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स और दूसरी कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भिन्न भिन्न होंगे, दोनों में अंतर आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो जब ये हमने जो फॉर्मूले आप लोगों को बताए उसमें इस तरीके से बताएं कि दोनों का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो सेम होता है, फाई के इक्वल लिया था, जबकि रियलिटी क्या है कि फ्लक्स में कुछ कमी आ जाती है, फ्लक्स में क्या आ जाएगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर है उसकी बनावट ही, जैसे यहां पर दोस्तों ट्रांसफार्मर है उसकी बनावट इस तरीके से लेकर चलते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर की बनावट है, आजकल जो ट्रांसफार्मर जिसमें इस ऊर्जा हानि को कम करने के लिए इस प्रकार की क्रोड ली जाती है, ऐसी क्रोड लेते हैं, इसमें बीच वाले भाग के ऊपर जो बीच वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट देते हैं। कैसे? ये तो है प्राथमिक कुंडली, देखिए गौर करके, ये प्राथमिक कुंडली है, इसके ऊपर हमने ये प्राथमिक कुंडली लपेट दी। जो द्वितीय कुंडली है वो भी इसी के ऊपर ही लपेट दी जाती इस तरीके से। तो देखिए, पहली कुंडली में से जितना फ्लक्स गुजरता है दूसरी कुंडली में से भी उतना ही फ्लक्स गुजरता है, इसलिए इस फ्लक्स क्षरण में होने वाली जो ऊर्जा हानि है उससे इस तरीके से बचा जा सकता है, इस तरीके से उसका निवारण किया जा सकता है। तो फ्लक्स क्षरण हानि होती इसमें और इसमें इसको कम कर देते हैं। क्लियर? अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो हमारे पास में है
शैथिल्य ऊर्जा हानि, शैथिल्य ऊर्जा हानि, शैथिल्य ऊर्जा हानि क्या होती है वो आप लोग समझ लीजिए। कि देखिए हम किसी कुंडली से जब धारा का प्रवाह करते हैं तो उस कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाता है। कि धारा में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैं एक बार एकदम शुरू से आप लोगों को समझा देता हूं कि क्या होता है एक्चुअल में। एक कुंडली के लिए मैं समझा रहा हूं कि ये हमारे पास में एक कुंडली है, इस तरीके से इसकी एक रोड है और ये कुंडली है ऐसे, क्लियर, ये कुंडली है। अब जब इस कुंडली से धारा प्रवाहित होगी तो देखना, ध्यान देना, एक तरफ से जब धारा प्रवाहित होगी इसमें से जो धारा प्रवाहित होती है वो प्रत्यावर्ती धारा है, ऐसे है धारा। धारा का मान प्रारंभ में बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे क्रिएट हो रही है। ऐसे यदि इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर नीचे क्रिएट हो रही है तो ये जो मैं लोहे चुंबकीय, सॉरी, ये जो नरम लोहे की क्रोड है वो चुंबकित हो जाएगी इस दिशा में। इस दिशा में क्या हो गई, वो चुंबकित हो गई। फिर इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर ये दूसरी दिशा में चुंबकित होगी। अब की बार ये इस दिशा में चुंबकित हो जाएगी, पहले आदि चक्र में तो इस दिशा में हो रही थी, फिर आदि चक्र में इस दिशा में हो रही है, तो इसका चुंबकन हुआ, फिर दूसरी दिशा में चुंबकन हो रहा है, तो चुंबकन विचुंबकन, चुंबकन विचुंबकन होता रहता है। तो चुंबकन विचुंबकन जब होता है तो शैथिल्य ऊर्जा हानि होती है। और शैथिल्य ऊर्जा हानि है वो शैथिल्य ऊर्जा हानि को हमें शैथिल्य जो वक्र होता है उसके क्षेत्रफल से परिभाषित कर देते हैं। शैथिल्य ऊर्जा हानि उतनी ही होगी जितना उसके लिए शैथिल्य वक्र का क्षेत्रफल होता है। देखिए शैथिल्य ऊर्जा हानि का मान क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है और प्रति सेकंड कितने चक्कर लगा रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर जो है क्रोड है वो हम नरम लोहे की लेते हैं ताकि शैथिल्य ऊर्जा हानि कम से कम हो, चुंबकन विचुंबकन के दौरान है जो शैथिल्य ऊर्जा हानि होती है उसको न्यूनतम करने के लिए, कम से कम रखने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो शैथिल्य ऊर्जा हानि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर चौथा जो बिंदु है वो क्या है, देखिए शैथिल्य ऊर्जा हानि हो चुकी है, इसके पश्चात हम बात करेंगे शैथिल्य ऊर्जा हानि भंवर धारा के कारण से भी ऊर्जा हानि होती है। भंवर धारा ऊर्जा हानि, भंवर धारा ऊर्जा हानि। अब देखिए कि जब यहां से इस तरीके से धारा में बदलाव आता है, ये धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है इसमें से, तो जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इसके अंदर उत्पन्न होता है बी बराबर म्यू जीरो एन आई, वो भी इसी तरीके से बदलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है, इससे रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन आता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में इस क्रोड के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ रहा है तो इस क्रोड के अंदर ही बंद वक्रों के रूप में एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम भंवर धारा कहते हैं। क्रोड में बंद वक्रों के रूप में इस तरीके से धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, इस तरीके से धाराएं क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। इन भंवर धाराओं के कारण से भी ऊर्जा हानि हो जाती है, जो मैटर है, पदार्थ है, ट्रांसफार्मर है, उसकी क्रोड गर्म हो जाएगी। और यदि बहुत देर तक धारा प्रवाहित करते हैं तो इस जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो गर्म होकर तार जल भी जाते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो इस ऊर्जा हानि से बचाव के लिए क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है उसको पटलित पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती रखी जाती है और सभी पत्तियों के मध्य एक कुचालक रॉड को भर देते हैं ताकि भंवर धाराओं के कारण से ऊर्जा हानि न्यूनतम हो जाए, क्लियर। तो भंवर धारा ऊर्जा हानि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसी के भंवर धारा ऊर्जा हानि से बचाव के लिए ही हम उस ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित पत्तियों के रूप में लेते हैं। पटलित का मतलब पीट कर पतला किया गया है, क्लियर। तो ये थी किसी ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां। विद्यार्थियों थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब है ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, किसे कहा जाता है, अभी हम क्लियर कर देते हैं।
ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहा जाएगा? कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदल दे, जो निम्न वोल्टता को किसमें कन्वर्ट कर दे? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने वाला जो ट्रांसफार्मर है उसको हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, कैसे बदल पाता है? कि ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर की रोड और इसके ऊपर यहां पर जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरे होते हैं एनपी और द्वितीय कुंडली में फेरे होते हैं एनएस। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है ज्यादा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में एन पी छोटी, एन एस बड़ी, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, अधिक होगी। तभी द्वितीय कुंडली पर देखो वीपी छोटा होता है और वीएस इसमें बड़ा होता है। साथ में देखो एक रिलेशन हमने ये भी देखा था, इस रिलेशन से लिख रहा हूं मैं ये सब कुछ, कि वीपी अपोन में वीएस बराबर होता है एनपी अपोन में एनएस और बराबर होता है आईएस अपोन में आईपी। देखो एनपी बड़ा एनएस से तो वीपी बड़ा हो जाएगा वीएस से, और यहां पर आईएस से, देखो यहां पर एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस कंडीशन में एनएस बड़ा है, एनएस बड़ा है एनपी से, तो क्या होगा? वीएस बड़ा हो जाएगा वीपी से। क्लियर? साथ में क्या होगा? आईपी बड़ा होगा आईएस से। इसमें उल्टा होता है। क्लियर? समझ आ गया होगा। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है, और इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरे कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। क्लियर? दूसरे ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो हमारे पास में है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होगा? जो उच्च वोल्टता को, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर दे, उच्च वोल्टता को किसमें बदल दे? निम्न वोल्टता में बदल देता है, तो उस ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर दे, वोल्टेज को कम कर दे, अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाएगा? अपचाई। अब की बार ध्यान देना, ये वाले जो वोल्टेज है वो होती है कम, ये वाली होती है ज्यादा। तो इसके लिए क्या होगा कि वीपी ज्यादा उच्च वाले को क्या कर रहा है? ये कम में कन्वर्ट कर रहा है। देखो वीपी ज्यादा है वीएस से, तो वीपी ज्यादा है तो एनपी भी क्या होगी? एनएस से ज्यादा होगी। क्लियर? और साथ में आईएस भी ज्यादा होगी आईपी से। क्लियर? अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो ये थे ट्रांसफार्मर के प्रकार। और विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। यदि आपको इस टॉपिक के और इस चैप्टर के नोट्स यदि प्राप्त करने हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर, इन नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, तो हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारे नंबर है 9460239358। कॉल नहीं करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है, कॉल नहीं करनी है। आप चाहे जितनी मर्जी कॉल कर लीजिए, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, केवल व्हाट्सएप का आंसर दिया जाएगा। क्लियर? ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।